वो पांच लोग भाग गए, मदनलाल पकड़ा गया और मदनलाल को सामने के गेट पे पुलिस की चौकी थी, वहाँ ले जाके उसको गिरफ्तार करके रखा गया और उसके पास से हथगोले वगैरह बरामद किए गए। उसी जगह से मदनलाल ने ये कहना शुरू किया कि वो वापस आएगा। वो कायम, उसको जितना भी इंटरोगेशन किया गया उसमें वो ये बात कहता रहा कि वो वापस आएगा, वो वापस आएगा। पर दिल्ली पुलिस ये समझ नहीं पाई कि कौन वापस आएगा, कब वापस आएगा। और जब हत्या हुई और कोर्ट में केस चला तो पुलिस ने ये बयान किया था कि हमारे मानने में ये कभी नहीं आया था कि इतने जल्दी वो लोग वापस वहीं पर आके उस कार्य को अंजाम देंगे। तो इस तरह से उनका कहना था कि हमको लगा था कि 6-7 महीने तो रुक जाएंगे फिर आएंगे, पर वो तो देखो उसने चीटिंग कर दी, 10 दिन के अंदर आ गए वापस। तो ये बात हुई थी 20 तारीख को। इसी दौरान 10 दिन के अंदर वही हत्यारे उसी जगह पे उसी वक्त वापस आ गए और उन्होंने अपने कार्य को अंजाम दिया। ये आप किसी भी जगह पे ये बात कह रहे तो कोई भी तंत्र है वो कहेगा कि ये तंत्र की निष्फलता का परिणाम है। हथियारों की सफलता के कारण ये अंजाम नहीं हुआ जितना वो तंत्र की निष्फलता के कारण इस कृत्य को अंजाम मिला है।